स्टार प्लस के शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में कहानी काफी मजेदार हो गई है। कार्तिक नायरा दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी एक साथ। लेकिन अब आने वाले दिनों में एक और बहुत ही मजेदार ट्विस्ट दिखाया जाएगा, जब नायरा के प्यार में कार्तिक बन जाएगा देवदास। जी हाँ, ऐसी खबर है कि कार्तिक शराब पीकर नायरा के घर के बाहर खूब ड्रामा करेगा, जिससे सोसाइटी के लोग काफी हैरान रह जाएंगे। दरअसल शो की कहानी के मुताबिक कार्तिक को शराब की लत लग गई है, जब से नायरा उसकी जिंदगी से गई है। पिछले 2 साल से कार्तिक अल्कोहलिक हो गया है, जबकि नायरा इस बात से अनजान है। लेकिन अब सोर्सेज की माने तो आने वाले दिनों में कार्तिक का शराबी अवतार शो में धमाल मचाएगा। तो अब ये ट्विस्ट शो में कैसे आएगा, इसकी डिटेल सुनिए। दरअसल कहा जा रहा है कि नायरा की बालकनी से उसकी टॉवल पड़ोसी की बालकनी में गिर जाएगी, और आपको बता दें कि ये पड़ोसी कोई और नहीं बल्कि कार्तिक ही होंगे, जिसके बाद नायरा किट्टू की मदद से कार्तिक के घर पहुंचेंगी। लेकिन जैसे ही कार्तिक दरवाजा खोलेंगे, नायरा और कार्तिक का एक अनकहा सा आमना सामना होगा। दोनों ही एक दूसरे को देख काफी शॉक रह जाएंगे। हालांकि नायरा को काफी खराब लगेगा कार्तिक को नशे की हालत में देखकर। अब कहा तो ये भी जा रहा है कि नायरा को देखने के बाद कार्तिक सोसाइटी में एक नया ड्रामा शुरू करेगा शराब पीने के बाद। तो क्या इसके बाद नायरा अपने पति को देवदास बनने से बचा लेंगी? क्या नायरा कुछ ऐसा करेंगी जिससे कार्तिक इस लत को छोड़ दे, या फिर इसके बाद कोई नया सियापा शुरू होगा? वह ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा।